पर पिछले कक्षा में हमने पढ़ा था लेक्चर आठ में सीटीपी के लेक्चर आठ में जीन पियाजे का संघातन विकास के सिद्धांत के बारे में, ठीक है, पिछले क्लास में पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे बायबेस्कुई का सामाजिक विकास का सिद्धांत, ठीक है। तो ऐसा कि आप लोग जानते हैं कि बायबेस्कुई का सामाजिक विकास सिद्धांत से एग्जाम में कम से कम दो नंबर का हर साल क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट है जिसको हम आज बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। पहला पॉइंट है बालक का चौतरफा विकास। तो वक्त से ही सबसे कुछ रिलेट हो रहा है बालक का चौतरफा विकास किस स्तर पर, सामाजिक स्तर पे, ठीक है। तो समाज में जो बालक रहते हैं या व्यक्ति कोई रहता है, समाज के विभिन्न पक्षों से जो अंतःक्रिया करता है, अंतःक्रिया के फलस्वरूप जो उसका सामाजिकरण होता है, उसका सामाजिक विकास होता है, ठीक है, वह होता है चौतरफा विकास होता है, ठीक है। उसके बाद ये शैशव काल में बच्चों का सामाजिक दायरा सीमित होता है। शैशव काल 0 से 2 वर्ष का माना जाता है, इसमें बच्चों का सामाजिक दायरा जो होता है वो उसके परिवार तक ही, माता पिता तक ही सीमित रहता है। इसलिए कहा गया है शैशव काल में बच्चों का सामाजिक दायरा सीमित होता है, उसको पूर्णतः सामाजिक प्राणी नहीं मान सकते हैं, ठीक है। उसको हम एक तरह से जैविक प्राणी ही पुराने मानेंगे, लेकिन पूर्णतः सामाजिक प्राणी नहीं मान सकते हैं, सामाजिक व्यक्ति नहीं मान सकते, क्योंकि उसका पूरा तरह से सामाजिकरण नहीं होता उस अवस्था में, ठीक है बच्चों का। उसके बाद आते हैं बाल्यावस्था में विद्यालय जाने के बाद दायरा बढ़ जाता है सामाजिकरण का, ठीक है। बाल्यावस्था में विद्यालय जाने के बाद बच्चों का सामाजिक विकास का दायरा बढ़ जाता है, क्योंकि विद्यालय में बच्चे का सामाजिकरण द्वितीय स्तर पर होता है, जो काफी तीव्र गति से होता है, जो हम पिछले क्लास में आपको पढ़ा चुके हैं सामाजिकरण की प्रक्रिया में, ठीक है। तो अगला पॉइंट है किशोरावस्था में लिंग संबंधी चेतना तीव्र हो जाती है। किशोरावस्था में बच्चे बायोलॉजी के अनुसार, सामाजिक सिद्धांत के अनुसार, किशोरावस्था में जो है सो लिंग संबंधी चेतना काफ़ी तीव्र हो जाती है। वह दोस्तों को बनाना, दोस्तों के साथ रहना आदि क्रियाएँ काफ़ी करने लगता है, एक समूह में रहना ज़्यादा पसंद करने लगता है, मित्र समूह में रहना ज़्यादा पसंद करने लगता है, ठीक है। उसके बाद है अगला पॉइंट किशोर अवस्था में सहानुभूति, सहयोग, सद्भावना, परोपकार और त्याग की भावना प्रबल हो जाती है। वो किसी भी व्यक्ति के प्रति जो है सो सहानुभूति करना, सहयोग करना, सद्भावना मतलब कि अच्छे भाव दिखाना, अच्छा मतलब कि व्यवहार करना, परोपकार की भावना रखना, किसी के प्रति दया रखना, है ना, और त्याग की भावना प्रबल हो जाती है, ठीक है। उसके बाद है बायबेस्की का सिद्धांत जो है आपको उससे निर्थार्थ क्या है, उससे क्या अर्थ निकलता है बायबेस्की का सामाजिक विकास के सिद्धांत से, उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। बायबेस्की का सिद्धांत का निर्थार्थ है सहयोगात्मक समस्या का समाधान, सहयोगात्मक समस्या का समाधान अर्थात बच्चे शिक्षक के मार्गदर्शन में अपने साथियों की सहायता से समस्या का समाधान करते हैं। मतलब कोई बच्चा अपने शिक्षक के निर्देश अनुसार या मार्गदर्शन में कोई समस्या, और बच्चे अपने जो साथी जो है, जो उसका क्लासमेट है, उसके सहायता से किसी भी समस्या का समाधान करता है, तो उसको हम कहेंगे बायबेस्की का जो सिद्धांत है उससे सामाजिक विकास के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। इस क्रिया को हम सहारा देना भी कहते हैं, ठीक है। समस्या का अगर हम किसी शिक्षक के मार्गदर्शन में साथियों की सहायता से किसी भी समस्या का समाधान करते हैं तो उसे हम सहारा देना भी कहते हैं, और इसी को हम समीपस्थ विकास का सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। समीपस्थ विकास का सिद्धांत भी इसी क्रिया पर आधारित है, ठीक है। अब बायबेस्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत से कुछ पॉजिटिव वर्ड है, रिलेटेड वर्ड जो है जो परीक्षा में आए तो समझ जाए कि सामाजिक विकास से, ये बायबेस्की के सामाजिक विकास से ही जुड़ा हुआ वर्ड है, और कन्फ्यूज नहीं कीजिएगा, ठीक है। पारस्परिक क्रिया,
आपस में एक दूसरे से मिलजुल कर जो क्रिया करते हैं उसको हम पारस्परिक क्रिया कहते हैं, सामाजिक क्रिया। सामाजिक स्तर पर जो भी हम क्रिया करते हैं, ठीक है, वो हम सामाजिक क्रिया कहेंगे। उसके बाद पारस्परिक शिक्षण, एक दूसरे को सहारा देना, है ना, एक दूसरे के साथ मिलकर किसी समस्या का समाधान करना पारस्परिक शिक्षण में आ जाता है। विकास का मूल आधार क्या है? विकास का मूल आधार अंतर क्रिया के लिए। विकास तभी होगा जब हम अपने दूसरे के साथ मिलजुल कर किसी क्रिया का समस्या का समाधान करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद है विकास का मुख्य योगदान है, विकास में मुख्य योगदान है किसका? समाज का। समाज अच्छा करेगा तभी समाज का विकास होगा, ठीक है। भाषा, भाषा जो है परस्पर बातचीत। भाषा जो है किसी भी व्यक्ति से हम बात करते हैं तो परस्पर बातचीत कहलाएगा, ठीक है। तो आज जो है CGP लेक्चर 9 में आपका बायोलॉजी का सामाजिक सिद्धांत जो है, इससे जो है हर साल 2 नंबर का क्वेश्चन आता है और ये आपको मैं सारा निचोड़ दे दिया हूँ इसी में, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा। थैंक यू।